खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश की आर्थिक राजधानी में आज सितारों ने जमीन पर उतरकर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लिया। आज की ये तस्वीरें सबसे चर्चित खबरों में शामिल हैं, लेकिन हम चर्चा करने जा रहे हैं देश में जाटलैंड के नाम से चर्चित हरियाणा के रोहतक की। ये शहर नई दिल्ली स्टेशन से करीब 70 किलोमीटर दूर है। राजनीतिक रूप से देखें तो इस सीट पर हुड्डा परिवार का दबदबा रहा है। करीब 6 लाख जाट वोटर हैं। दलितों की संख्या 3 लाख है, यादव 1.25 लाख हैं, तो ब्राह्मण 1 लाख के आसपास। कांग्रेस से एक बार फिर छोटे हुड्डा यानी दीपेंद्र हुड्डा यहां मैदान में है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आने वाले पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को टिकट दिया है। 2014 में जब मोदी लहर चल रही थी तब भी इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बार भी बाकी मुद्दे पीछे छूट चुके हैं और मोदी बनाम हुड्डा ही मुद्दा है। क्या कहता है रोहतक का मूड, कौन है भारी और कौन हुआ है कमजोर? सीधे चलते हैं जगविंदर पटियाल के पास, जो आज रोहतक के मूड की करेंगे पड़ताल।